हेलो दोस्तों, क्या आप भी किसी एक नंबर पर स्विच ऑफ लगाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कोई बंदा है या बंदी है वो आपको जब भी फ़ोन करे उसको आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही बताए और बाकी सबसे आपकी बातचीत होती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टेलकॉम। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक नंबर पर स्विच ऑफ लगा सकते हैं। दोस्तों करना कैसे? बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, आप एक मिनट में ही कर लें। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, हमको आ जाना है हमारे कॉल वाले आइकन पर, यानी जो जहाँ से हम कॉल करते हैं डायलर पैड पे। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, डायलर पैड पे आ चुके हैं हम। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत लंबा प्रोसीजर बता देते हैं आपको कॉल सेटिंग्स में भी जाके हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। तो जैसे ही यहाँ देखिए, दोबारा से दिखा देता हूँ, डायलर पैड पे आ जाना है हमें। अब दोस्तों जैसे हम डायलर पैड पे आएंगे, ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं हमें, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ देखिए नीचे एक सेटिंग्स आ रही है, सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर चले जाना है। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ब्लॉक पर जाएंगे हम। और यहाँ देखिए ऊपर ब्लैक लिस्ट में हमारे पास कुछ नंबर मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं इसमें। और यहाँ से हमें ब्लॉक आल पे तो बिल्कुल नहीं जाना, आल पे कर देंगे तो सबके ब्लॉक हो जाएंगे, वो नहीं हमें करना। हमें करना है पर्टिकुलर कुछ एक दो नंबर। तो यहाँ से देखिए, मैंने ब्लैकलिस्ट में यहाँ पर 2 नंबर आए हुए हैं मेरे, ये देखिए ये 2 नंबर मैंने ब्लॉक कर रखे हैं। तो ये मुझे जब भी फ़ोन करेंगे तो मेरा फ़ोन, इनका फ़ोन मेरे पास लगेगा नहीं। तो हमें ऐसा दिखाना है कि वो बंदा इनको, कि वो हमें कॉल करे तो ये दिखाना चाहिए कि स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देख लीजिए। पहले तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसीजर बता देता हूँ, एक बार और लेके जाते हैं आपको। जैसे हम दोबारा से आ जाते हैं डायलर पैड पे, जैसे डायलर पैड पे आ चुके हैं हम, 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे। और यहाँ से सबसे पहले तो हम वहाँ से ब्लैकलिस्ट पे आके यहाँ पर जो भी नंबर हमें लेना है, जिस भी नंबर से हम चाहते हैं कि स्विच ऑफ लगाना है, उसका नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है जी। उसको ब्लॉक कर देना है सबसे पहले, मतलब सबसे पहला प्रोसीजर इसका है कि हमें ब्लॉक करना है इसको। अब दोस्तों उसके बाद करने के बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखिए मोर सेटिंग्स के ऊपर, इस पे जाना है हमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो छोड़ के भागना मत, पूरा प्रोसीजर बताऊँगा किस तरीके से होगा, ठीक है जी। कॉल फॉरवर्डिंग का सोच के कहीं आप सोचो कि ये तो बहुत पुराना तरीका है, नहीं होगा, ठीक है जी। कॉल फॉरवर्डिंग आ गए हैं, यहाँ पे जाएंगे हम। और यहाँ से हमें वो सिम सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी सिम पे हम ये सेटिंग्स करना चाहते हैं, स्विच ऑफ लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई भी सिम एक सेलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से हमें सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है, बिजी वाले का, तो इसको हम ओके करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर डालना है जो परमानेंटली स्विच ऑफ हो, आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी का भी हो, जो आपको पता है कि आपका पुराना नंबर था और वो फिलहाल अब स्विच ऑफ ही जाता है, आपको यहाँ पर वो नंबर डायल कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम डायल करेंगे, डायल करके हम इसे ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको बता दूं, इतनी सेटिंग्स करने के बाद वो ब्लॉक वाला जो बंदा है, जो भी हमें कॉल करेगा, तो उसको फ़ोन हमारा स्विच ऑफ ही बताएगा। अगर इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ इशू होता है कि कुछ फ़ोनों में ये वर्क ना करे, तो आपको अपने फ़ोन में जो वेटिंग कॉल वाला ऑप्शन है वो आपको ऑफ़ कर देना है, ठीक है जी। आप वो ऑफ़ कर दोगे तो बिल्कुल ही ये आपको स्विच ऑफ ही बताएगा, ब्लॉक लिस्ट वाले को। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।